तो प्रदेश में हो रहे पांचों नगर निगम और मेयर चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि पांचों नगर निगम और मेयर का चुनाव वही जीतेगी। हुड्डा ने इनेलो के प्रत्याशियों को समर्थन कर दिया है, यमुनानगर और करनाल। देखिए, हरियाणा की राजनीति में अब साबित हो गया है कि विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास की नीति को हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया है। आज विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा है, निराश हुआ पड़ा है, और वो जिस प्रकार से देश भर में सारी पार्टियां मोदी जी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं, हरियाणा में भी विपक्ष आपस में खंडित होते हुए वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। हम उनको खुली चुनौती देते हैं, सारा विपक्ष भी इकट्ठा होकर के आ जाए, भारतीय जनता पार्टी इन पांचों सीटों पर मेयर का चुनाव जीतेगी और 2019 में प्रदेश और देश के चुनाव भी जीतेगी। एक सर, अब आप इसके सोच सकते हो तो जो अपने आप को कह रहा है कि मैं हरियाणा का नेता हूं, और जो आप बता रहे हैं इस हिसाब से उनकी जमीन खिसक चुकी है, जब वो लोकदल के साथ मिलकर और खुद मिलकर मनोहर लाल सरकार को अस्थिर करने के लिए पूरे प्रदेश को जलवाया था, तो उस समय ये दोनों थे, आज भी वही दोनों हैं। ये प्रदेश को जनता का भला नहीं, अपने भले के लिए।